हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एसकेएस गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाला हूं कि डिस्पोजल में खीरा ककड़ी कैसे ग्रो की जाती है और बिना कोको पीट के। और फ्रेंड, इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज आपको एकदम सिंपल तरीके से खीरा ककड़ी की पौध बनाना सिखाऊंगा। आप अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से खीरा ककड़ी की पौध बना सकते हो। तो पौध बनाने के लिए आपको एक डिस्पोजल चाहिए। डिस्पोजल में आप इस टाइप के होल कर लें, जिससे कि पानी ना रुके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें आप पत्थर डाल दीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। पत्थर डालने के बाद इसमें थोड़ी सी रेत डाल दीजिए। के बाद फिर से रेत डालिए। इसके बाद फिर से गोबर की खाद डालिए। ऐसी लगभग दो दो लेयर कर दीजिए। इसके बाद सबसे ऊपर वाली लेयर रेत की हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने रेत क्यों ली। फ्रेंड्स, मैंने रेत इसलिए ली क्योंकि रेत में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने बीज लगाए थे, अब ये पौधे बन गए हैं। लगभग 12-13 दिन का पौधा ही है। और इसमें मेरा मकसद खीरा उगाना नहीं है। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोकोपीट ना हो तो भी आप रेत और गोबर की खाद में उगा सकते हैं, और यदि आपके पास सीडिंग ट्रे ना हो तो आप ऐसे डिस्पोजल में उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये पौधा बड़ा हो गया है, तो अब इसे ट्रांसफर करने का टाइम आ गया है, तो इसे ट्रांसफर करते हैं।